रोज करते हैं, जो रोज सवेरे योग करते हैं वो आप उठाओ थोड़े सभी नहीं सभी नहीं मुगली सुनते हैं, ज्ञान सुनने के लिए अच्छा है लेकिन शक्ति नहीं है इसके बिना संस्कार प्रेरण करता है क्योंकि दो आपका दोष नहीं है। घर में माता जी अकेले चलते, सब लोग सोए हुए हैं, लाइट लगा के उठ के योग करके सब लोग चिल्लाएंगे माता जी कहां सवेरे उठ गए, सबके नींद मिटा दिया है ना, इससे नहीं हो सकता। अलग 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 कमरे होते नहीं है, अलग उठ के योग करो तो दूसरों को सभी लोग ज्ञान में नहीं चलते हैं, इसलिए योग नहीं होता। मुरली सुनने के लिए इधर आए है ना, लेट सवेरे आए, आने के पहले भी यहाँ आधा घंटा योग होता है और फिर मुरली, समय पर लेट पहुंचते हो। योग सब जगह देखा, बाहर सेंटरों में सब जगह योग नहीं, ज्ञान सुनते हैं, इसका ताकत नहीं है। दोनों चाहिए, ज्ञान भी चाहिए योग भी चाहिए। तो अभी योग करें कि नींद आएगी कल जैसे हाँ माता जी कुछ पूछती है हाँ। अब यह आया कि उस परिवार से कोई ज्ञान में चलते कोई हाँ ज्ञान में चलते हैं सभी तो हाँ ज्ञान में चलते तो वो उसके संबंधित बाबा के घर में दे सकते हैं। अगर कोई नहीं चलते तो आप कहेंगे दूसरों की है, आप ज्ञान में चलते हो, अगर वो उनकी संपत्ति देना चाहते वो नहीं चाहते हैं तो फिर नहीं होगा ना। सभी की संपत्ति हाँ भगवान की सेवा में लगाओ हाँ, तो वो बाबा की सेवा में लगा सकते हैं, ये उनका पुण्य जमा होता है। आपको बताओ बताने जाओ तो एक रियल कहानी बताता, कहानी नहीं सत्य था। देखो अंबाजी करके मधुबन के नजदीक अंबाजी है, सुना है अंबाजी मंदिर बहुत बड़ा मंदिर। अभी देखो पूर्णिमा के दिन में 19-20 लाख लोग थे अंबाजी में दर्शन करने गए, तो वहां सेंटर बनाना था, तो सेंटर बनने के वहां जगह नहीं, धर्मस्थल है बहुत लोग आते हैं, जगह नहीं मिल रही, तो क्या करें। एक सेंटर में एक जगह पर दो भाई थे, वो सेंटर के मुख्य भाई है, सब कुछ सेवा करते थे, तो वो बिजनेस करते थे मकान बनाना सब कुछ करना, सेंटर में समर्पित पूरा हर प्रकार के सेंटर की सेवा करते थे। लेकिन उनका दोस्त था, उनके दोस्त के बेटे ने शरीर छोड़ा, तो उसने कहा आप लोग भोग लगाते हो मेरे बेटे का भी भोग लगाओ, वो क्या मेरे चलते। तो उस भाई ने आके दीदी टीचर को बताया कि हमारा दोस्त कहता है उनका बेटे ने शरीर छोड़ा, दीदी आप भोग लगाओ। दीदी ने कहा हम अज्ञानियों का भोग नहीं लगाते, वो अज्ञानी ज्ञान में नहीं चलता है, उनको हम भोग नहीं लगा। फिर दोबारा आया दीदी दीदी लगाना चाहिए, अज्ञानी बाबा का मददगार है मेरा दोस्त है लगाना चाहिए, तो दीदी ने फिर भी मना किया, फिर भी माना नहीं, बार बार कह रहे दीदी लगाना चाहिए मददगार हमारा दोस्त है बाबा से पूछ लो। उस दिन गुरुवार के दिन बहन जी भोग लगाने जा रही थी, तो उन्होंने कहा बाबा से पूछ लो, ये भाई कहता है मुख्य अनन्य होता है ना मदद करता है, तो बाबा से पूछ लो। तो बाबा ने कहा बच्चे लगाओ, देखना बाबा को संदेश दिया, बाबा ने बाबा को पूछा, बाबा ने कहा उसको भोग लगाओ। अभी देखो भोग लगाया, भोग में लेके गए ऊपर, एक लड़का आया हाफ शर्ट पहना है, बहन जी ने तो देखा ही नहीं भोग लगाने में, कहा आया दीदी मैंने आपका माउंट आबू में ओम शांति भवन देखा है, मेरी यहाँ जमीन है और आपके सब लोग जाके वहां जमीन ढूंढ रहे हैं, किसी को पता नहीं, पिताजी को पता नहीं मेरी जमीन है, वो जमीन आप बाबा की सेवा में यूज करो, हमारा दोस्त आके आपको पत्र लेटर सब ये देगा पत्र सब देगा। बहन जी नीचे आई, तब तक दरवाजे पर एक भाई आया, ये मेरे दोस्त ने पेपर दिया, तब तक बहन जी सुनाई देती, तब तक वो आया पेपर आया और अज्ञानी ज्ञान में नहीं सिर्फ ओम शांति भवन देखा हुआ है, आज अंबाजी का सेंटर उस जमीन पर बना है। बाबा किसी किसी आत्मा का भी सफल करता है, ज्ञान में नहीं चलते हुए भी कई पुण्य आत्माएं हैं अच्छे आप बाबा जानता है, इसलिए सब कुछ बाबा से पूछते। तो बाबा ऐसे सभी के लिए नहीं, जो कहीं आत्मा है पुण्य आत्मा है कोई पाप नहीं करते अच्छी कमाई करते हैं, तो बाबा तब कहा किसी का धूल में मिल गया किसी का राजा का के गया किसी का सफल होता है ना, जो पुण्य आत्मा अच्छी तरह से
बाबा हर एक को जानता है, तो उसकी जमीन पर आज सेंटर बना है अम्बा जी ने, जमीन नहीं मिलते थे, धर्मस्थल को देते भी नहीं। तो समय किसका सफल करता है, जैसे माता जी ने कहा कोई पुण्य आत्मा अच्छी आत्माएं हैं, उनकी कमाई भी अच्छी है, बाबा जानता है। हाँ, अच्छा व्यक्ति है पुण्य आत्मा उसका सफल करता है। ठीक है, समझ में आया।